क्लीन करनी है, अल्कोहल से इसको क्लीन आउट कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद में जब ये हमारी क्लीन आउट हो जाएगा, ये देखिएगा एकदम क्लीन आउट हो चुका है। जब ये हमारा क्लीन आउट हो जाए उसके बाद में हम वन ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे जो हमने यहाँ पे ले रखी है। वन ड्रॉप ऑफ वाटर देखो, ये आप देख सकते हो, ये हमारी प्लेटिनम लूप है, ठीक है, ये हमारी प्लेटिनम लूप है। इसको हम थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे और ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। हीट स्टरलाइज हो जाएगी, ये हीट स्टरलाइज हो गई। इसको हम थोड़ा ऐसे रखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें से एक बैक्टीरियल कॉलोनी, देखिएगा ये आपको इसमें दिख रही होगी, इसमें से एक बैक्टीरियल कॉलोनी से एक इसको बस हल्का सा इसको ऐसे टच करना है। ये आपको देखो इसके कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा, फिर उसको इसमें हमें डिजोल्व करना है वाटर में। ये होने लगी, देखिएगा डिजोल्व हो रही है। डिजोल्व हो गई, फिर उसके बाद में हमें इसमें हीट स्टरलाइज करके रखनी है। बात तो यही है सर, फिर इसको ऐसे पहले मेरे कपड़ों पे डाल जाए, बस वाइट और है ना। टू एंड फ्रो मेथड से हमें इसे हीट करना है, हीट फिक्स। ये है टू और फ्रो मेथड। वॉलेट है, हमें ऐसे रखना है जो कि हमारी स्मेयर में पूरी तरीके से आ जाए, ये हमारे पूरे स्मेयर को कवर कर ले, ऐसे रखना है। सेकेंड हो चुके हैं, अब इसको हम वाटर से इसको वॉश कर देंगे। अभी ले लूंगा ना मैं, या लेने से साइड हट दो। बस अब हम इसमें आयोडीन डालेंगे, इसके ऊपर वन ड्रॉप ऑफ आयोडीन, वन ड्रॉप ऑफ आयोडीन। ये हमारा आयोडीन है, इसको हम वन ड्रॉप ऑफ इस पे आयोडीन डालेंगे टेढ़ा करके। इससे अल्कोहल से रेज कर देंगे, हम डाल सकते हैं अल्कोहल। हट बस थोड़ी एयर के कांटेक्ट में ना, ड्रॉपलेट। पहले हमने इसे वाटर से नहीं, इस बार में इसे अल्कोहल से रेज करना है, और फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर डालना है सैफ्रनिन। टिल्ट फॉर्म में ही डालना है हमें सैफ्रनिन, और 30 सेकंड बाद हम इसे माइक्रोस्कोप में अपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखेंगे। मैं रखते हैं, दिखा दिख तो रहा है, दिखा। अरे वाओ, दिखाइए, आ गई हमारी इसमें एक तो। कहाँ है पूरी, तो तूने घुमा दी है। एक मिनट वीडियो कैमरा कौन